अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, सिमेट्री। ओके, सिमेट्री बेसिकली, इससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि सिमेट्री क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ओके, अब सपोज आई हैव ड्रॉन अ फिगर, समथिंग लाइक दिस। कोई भी फिगर हो आपके पास, अगर आप उसे दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकें लाइन के थ्रू कि इसको ओवरलैप किया जाए, मीन्स इसको फोल्ड किया जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट ऊपर आ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर को हम बोलेंगे कि ये फिगर कैसी है, सिमेट्रिकल। ओके, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जस्ट सपोज कि ये क्या है, फिगर है, ये कॉपी फिगर है, मींस ये एक रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये हमने इसका क्या मान लिया है कि ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसे फोल्ड करूं तो ये क्या हुआ, दोनों साइड एक दूसरे के ओवरलैप हो गए एकदम, दोनों रेक्टेंगल। दैट मींस ये फिगर कैसी थी, सिमेट्रिकल फिगर थी। कोई भी चीज़ अगर आपको इमेजिन करनी है, इमेजिन करने पर अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट लाइन नहीं कर रहे तो वो सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगी। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ही इजी है अगर आप ध्यान से समझें। चलिए हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो 13.1 है, आप लोग अभी कुछ भी नहीं उतारेंगे कॉपी में, लेकिन अब जो हम कराएंगे 13.1 से, ये अब आप कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, अभी इससे पहले जो किया था वो सब नहीं उतारना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं विच द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल। आपको फिगर्स को देखना है और बताना है कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पाते हैं तो फिगर सिमेट्रिकल होगी। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ना बन पाए, यानी इस तरीके से हम दो पोर्शन पर डिवाइड ना कर पाएँ कि ओवरलैप करें एक दूसरे के वो फिगर्स, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगी। तो आपको कौन कौन सी फिगर्स बनानी है, ए बी डी एंड ई, ये वाले पार्ट्स हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चार फिगर्स आपको बनानी है प्लेन साइड पर, और अभी मैं बताऊँगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे, और लाइनिंग साइड पर आप लिखेंगे इसका जो भी आंसर होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, डी पार्ट का, ई पार्ट का। ठीक है, जैसे अभी किया था हमने चैप्टर नंबर 9। ओके, देखिए अभी से। ओके, तो ये फिगर्स हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं प्लेन साइड पर। अब हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बना सकते हैं कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए? अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे बना लें तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुए। ठीक है, अगर आप थोड़ा और इधर बना लें तो इसमें देख रहे हैं आप ये कैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये कैसा सेम आना चाहिए दोनों साइड। तो यानी इस वाली फिगर में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। जिस भी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती उसे हम क्या कहेंगे कि वो फिगर सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, नॉट सिमेट्रिकल। ओके, अब देखिए ये हमारे पास, अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड करूं तो दोनों इक्वल साइड हो गए। अगर इमेजिन करने पे इसको फोल्ड किया जाए, दोनों ओवरलैप भी करेंगे, तो ये फिगर कैसी हो गई, सिमेट्रिकल। ओके, अब देखिए इस वाली को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ, एक तो ऐसे और एक ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री दो दो बन गई है हमारी। ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, ये कैसी है, सिमेट्रिकल। अब इस आर को किसी तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल अलग आया है राउंडेड, और ये दोनों अलग आए हैं। अगर ऐसे डिवाइड किया जाए तो ये देखिए कर्व आ रहा है, ये स्ट्रेट आ रहा है,
यानी इसको हम कहीं से भी ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि दोनों साइड इक्वल शेप आ जाए। तो ये फिगर कैसी हो गई? नॉट सिमेट्रिकल। ओके, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या बनानी है? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। जब ये कह रहे हैं ऑलरेडी कि आपको ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स कि ये फिगर सिमेट्रिकल हैं, बस आपको लाइन ऑफ सिमेट्री इनकी बनानी है। ठीक है, चलिए करते हैं। जो जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आपको सिर्फ यही पार्ट करने हैं, तो आप इसे प्लेन साइड पे बना लीजिएगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बना दूँ तो ये फोल्ड हो जाएगा और ये ओवरलैप होकर के एग्जैक्ट ओवरलैप होगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगी इसकी। ठीक है, अब अगर कोई ये सोचे कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी इस तरीके से, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि ये देखने में तो लग रहा है कि हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन जब मैं इसे ओवरलैप करूँगी ऐसे करके, तो क्या होगा, इसका ये जो वाला कॉर्नर है ये इसके यहाँ आएगा। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है सिमेट्रिकल फिगर बताने में, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा कि अगर मैं इस तरीके से लेकर के और इसको फोल्ड करती हूँ, तो ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर पे नहीं आएगा एग्जैक्ट। ये कॉर्नर कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें हम ड्रॉ करें तो इसमें हमारी दो बन सकती हैं, एक तो इस तरीके से, ठीक है, और एक इस तरीके से। अब इस वाली फिगर में देखें तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम मिड से डिवाइड कर सकते हैं और ये ओवरलैप भी हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास कितनी बन सकती हैं? एक तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकती हूँ ऐसे करके, ठीक है, एक हम इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे, एक इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और एक ऐसे। इसमें एक बनी, इसमें दो बनी, इसमें एक बनी, इसमें हमारे पास कितनी बन गई? 4 बन गई। ओके, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम नहीं करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सीन कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर्स सच दैट द डॉटेड लाइन बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपको हाफ फिगर दे रखी है और ये मानना है हमें कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इधर वाली फिगर किस तरीके की होगी कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री बने, तो आपको हाफ पोर्शन इसका ड्रॉ करना है। ओके, सो जो पार्ट मैं ड्रॉ करूँ वही पार्ट हम सिर्फ करेंगे, लेट्स सी। ओके, सो दीज आर द 2 पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डू। ये दो पार्ट हम करेंगे। अब देखिए ये फिगर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, हाफ पोर्शन इसका ड्रॉ करना है, तो सिंपल आपको करना है जो इधर साइड है वो सेम इधर साइड आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे? बहुत इजी है ये, आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये हमें क्या करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल बनाना है ताकि वो सिमेट्रिकल फिगर बन जाए, क्योंकि हमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 13.1। फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 और होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर नंबर 13। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल, नोट इट डाउन प्रॉपरली इन योर नोटबुक सो यू कैन सबमिट द नोटबुक टू मी। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।